बजट कम कर दिया, सोशल सेक्टर का पैसा समाप्त कर दिया, आप पेंशन के पैसा को नहीं बढ़ाया, आपने ममता आशा आंगनबाड़ी के पैसे को नहीं बढ़ाया, आपने नियोजित शिक्षा के साथ साजिश रच कर दी, अब 20 लाख फैमिली को आप मार दिया। हमारी सरकार आते ही सबसे पहला दस्तखत होगा, सबसे पहला दस्तखत नियोजित शिक्षक के टीचर को किसी भी परिस्थिति में पूर्ण काम दाम समान, काम समान दाम 400 रुपया पेंशन को हम 800 करेंगे। सभी हर जात के बिलो अप टू 2 बीघा से नीचे वाले को, सभी बूढ़े और बूढ़ी को पेंशन 5000-6000 रुपया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता जब तक हम रोजगार नहीं देंगे, हर परिस्थिति में किसी भी कीमत पर। हम तैयार हैं, ममता आशा आंगनबाड़ी संविदा पर बहाल जिनको भी मैंने किया है उसको 8000 रुपया तनख्वाह। ये मेरा प्रथम मुद्दा है, आते ही 72 घंटे के अंदर यदि मेरे पार्टी के सहयोग से किसी की भी सरकार बनेगी इसको 72 घंटे के अंदर करेंगे, और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो आप विजन दीजिए ना, हमारा विजन है दलाल और माफिया को मिटाना। मेरा विजन है 20 सालों में जो नेता और दलाल माफिया गलत पैसा कमाया उसको लेकर के, मेरा विजन है विधान परिषद को खत्म करके उसके पैसे को नियोजित शिक्षक संविदा और ममता आशा में देना, मेरा विजन है, कोई जरूरत नहीं है उस विधान परिषद की। तो आप विजन दीजिए ना, मेरा विजन है कंप्लीट 1 घर को रोजगार देंगे हम। बस यहाँ पर गाली गलो, राष्ट्रवाद पाकिस्तान हिंदुस्तान की बातें खत्म, नफरत, जय श्री राम, वंदे मातरम, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति है, हम पिछड़ा तो तुम पिछड़ा, तुम पिछड़ा तो हम पिछड़ा, तुम्हारा माय खराब तो तुम्हारा बीवी खराब, तुम्हारा बीवी खराब तो हमारा माय खराब, ये एक नारी खोकी का लड़ाई पूरे देश में चल रहा है।